बेलीपार पुलिस ने पत्नी के हत्या आरोपी बृजेश को रविवार सुबह हरैया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। वो 4 माह से फरार था। पुलिस उसकी तलाश में मुंबई तक चक्कर लगा चुकी थी। आपको बता दें कि बीते 4 जून को बेलीपार के हरैया निवासी बृजेश चौधरी पर अपनी पत्नी शशिकला की जलाकर हत्या करने का आरोप लगा था। शशिकला की माँ कुशीनगर के बलुआ निवासी इशरतवती देवी की तहरीर पर पुलिस बृजेश साबिर खान और गुड्डू खान के खिलाफ हत्या और शव छिपाने का केस दर्ज किया था। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। मुख्य आरोपी बृजेश तभी से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में मुंबई भी गई थी, लेकिन वहां से भी फरार हो गया था। रविवार सुबह मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने उसे हरैया मोड़ के पास से पकड़ लिया। वो बस का इंतजार कर रहा था। गौरतलब है कि बृजेश की शादी 10 वर्ष पूर्व शशिकला से हुई थी। पुलिस को दी तहरीर में शशिकला की मां ने बताया था कि उनके दामाद ने एक जमीन बेची थी, जिसे लेकर उसका उनकी बेटी से विवाद होता था। इस वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मुकदमा अपराध संख्या 175/19 थाना बेलीपार में पंजीकृत। ये 4 जून 2019 का ये मुकदमा है। इसमें अपना जो वांछित अपराधी हैं बृजेश चौधरी, इसको हमारी प्रभारी निरीक्षक और उनके साथ आरक्षी विनय यादव और धर्मेंद्र यादव ने गिरफ्तार किया है। और ये अपनी पत्नी के जलाने के उस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने उसे पकड़ा भी है और बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है।